खिचड़ी और खिचड़ी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। और ये जो त्योहार है ना, ये हर शहर में अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे पंजाब साइड में आप चले जाओ तो पंजाब में इसे लोरी के नाम से मनाया जाता है, असम में। वेरी गुड मॉर्निंग जी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आज भी आंटी ने मेरे को दे दिया सरप्राइज, खुशी से बता रही हूँ पर दुख अंदर बहुत है। आज वो नहीं आए हैं, 2 दिन से उनकी जो है और कोई पता नहीं। मतलब जब मैंने फोन किया तब बता रही हैं कि हाँ दीदी तबीयत खराब है। अरे यार एक बार फिर इन्फॉर्म कर दो, सुबह ऑफिस ऑफिस होता है, इतना सारा काम होता है। में हमने बनाया है ये नमकीन सिवई, जिसे साउथ में बोलते हैं वमसिली। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट के लिए। और अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो आप जरूर बना के खिलाइए। और ये रवे की सिवई है, मैदे की नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और शिवायत काफी चाव से खाता है। बस मैं इसमें पीनट्स हैं वो नहीं डालूंगी, वो हम अपने वाले में सर्व करेंगे। और इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स डाली है, स्पेशली कैरेट एंड कैप्सिकम। मटर थी नहीं पर हमने कहा चलो ठीक है ऐसे ही डाल देते हैं। और ये देखिए क्या धूप निकल आई है। वो देखिए बहुत अच्छी धूप निकली है। तो अभी थोड़े से जो काम और बाकी हैं उनको निपटा करके फ्री हो गए तो लेके जाएंगे पार्क शिवाय को। ये बैट हमेशा यहाँ से फेंक देते हैं नीचे। खिचड़ी और खिचड़ी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति। और ये जो त्योहार है ना, ये हर शहर में अलग नाम से मनाया जाता है। जैसे पंजाब साइड में आप चले जाओ तो पंजाब में इसे लोरी के नाम से मनाया जाता है, असम में इसे बिहू के नाम से मनाया जाता है, और इधर साउथ में पोंगल के नाम से मनाया जाता है, और हमारे यूपी में इसे मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस त्योहार पे हिंदुओं का नया कैलेंडर शुरू होता है। तो मतलब जो अच्छे काम होते हैं खरमास खत्म होने के बाद, जैसे मुंडन है, शादी है, तो ये सारे अच्छे काम है। तो आज हमारे अच्छे कामों की शुरुआत होती है। इस टाइम पे शादियों के लगन बहुत होते हैं। शादी से ज्यादा मेरे भाई की भी शादी आने वाली है। देखिए मकर संक्रांति
को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य की जो दिशा है वो उत्तर की तरफ मुड़ने लगती है और इस दिन एक नए साल की शुरुआत होती है। तो यहाँ से सीज़न भी काफ़ी चेंज हो जाता है। आप देखोगे अब ज़्यादा धूप निकलेगी, थोड़ा ठंड कम होगी, तो इसीलिए इस त्यौहार को और ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है लोग। समय याद है बचपन में, क्योंकि ठंडी का जनवरी का समय होता था तो हमारा नहाने का मन नहीं करता था, तो हम सब भाई बहन, मम्मी आज नहीं नहाना है, तो मम्मी आज तो जरूर नहाना है बच्चे, क्योंकि आज तो कत्की का मेला है और लोग तो सुबह सुबह गंगा नहाने जाते हैं, तुम लोगों को गर्म पानी से नहाने में दिक्कत हो रही, तो वो मुझे समय याद है, तो आज के दिन जरूर नहाया जाता। तो ये सारी चीजें मुझे बचपन की याद दिलाती है। तो आज मैंने कल भी शिवाय को नहलाया था, आज भी मैंने सुबह सुबह उसको नहला दिया कि भाई तू नहा ले आज, क्योंकि खिचड़ी है। तो ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन आपको गंगा नहाना चाहिए, गंगा में ज़रूर स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद आपको दान करना चाहिए। और कहते हैं कि अगर एक बार आप गंगा नहा लीजिए आज के दिन, तो आज का जो फल है वो आपको 10 अश्वमेध यज्ञ और 1,000 गायों के बराबर पुण्य मिलेगा। तो इतना महत्व है हमारे हिंदू धर्म में आज का दिन। तो चलिए हम अपनी जो है खिचड़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमने खिचड़ी के साथ ये सारी चीज़ें खाई हैं, मतलब रायता है, घी है, पापड़ है, अचार है। तो आप भी अपनी खिचड़ी एंजॉय करिए और हम भी अपनी खिचड़ी एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे शाम की चाय की तैयारी हो रही है। शिवाय प्रताप सिंह अदरक कूटने में लगे हुए हैं। कूटी अदरक कैसे कूटते हैं? ऐसे कूटती है मम्मा। ये रही शिवाय की प्रोटीन भरी दूध रोटी। रोटी को ऐसे मस्त मिक्सी में चला दिया और ये दूध, तो ये काफ़ी हेल्दी भी है और ये शिवाय को पसंद भी है। तो ये शाम का इनका सोने के बाद का जो मील है। शाम हो चुकी है और हमारी खाने की तैयारी हो रही है। शिवाय भी उठ गए हैं मस्त, इन्होंने दूध रोटी खा ली है। ठाकुर साहब का ऑफिस चल रहा है, समय मिला तो इवनिंग वॉक पे जाऊंगी अगर इनके पास ज़्यादा काम नहीं हुआ तो। फिलहाल अपना खाने में है मस्त सिंपल कद्दू पराठे दही। रही है आप देख सकते हैं, और इधर रोटी भी बन रही थी। तो सारी चीज़ें इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है शिवाय ने। वाओ, ध्यान से देखिए कितना प्यारा बच्चा, कितना सारा काम करता है। ये कलरिंग हो रही है इनकी, बुक में कलरिंग नहीं हुई है पर हाथों पे कलरिंग जरूर हो रही है। तो इनको चाहिए तिप तिप मतलब शिव, तो इस आटे से मैं शिवलिंग बनाऊं ऐसा ये कह रहे हैं। तो चलो शिप बनाते हैं, ठीक है? टिप शिप बनाते हैं। क्या बनाना है? टिप शिप टिप शिव टिप शिव टिप शिव टिप 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 भी नहीं होता है। चलो शिप बनाते हैं। तो पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये इनका फेस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ रखो इसको प्लेट को, तभी तो शिप बनेंगे। ये रहा शिव, रुको, बना रहे शिव। ये देखो ये शिव, ये ओम नमः शिवाय। अब बना रहे, बनाने तो दो शिव। शिव कौन थे? शिव हर हर महादेव। कौन थे? हर हर महादेव। शिवलिंग रेडी हो गई है, अब ये शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। वाह, और जय तो करो। लो नाक बह रही है, मार निकले। हाँ, ये देखिए पानी चढ़ा दिया है, अब दूध भी चढ़ाएंगे। ओ शिवलिंग पे दूध भी चढ़ा दिया, अब पैर कौन छुएगा? जय करो शिवलिंग के। हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलो। ले और
डुड्डू पी भी रहे हो? बोले कहाँ चले? तो डैडा हमें घुमाने ले जा रहे हैं। ये एक्साइटमेंट देखिए, मैं चमचमाते हुए जूते। गाड़ी रुको, अब मम्मा को नहीं ले जाओगे? चलो ना। आ रहे हैं, हम लगाया जा रहा है। देखो मुझे लग रहा है आज डैडा का सारा लिप बम खत्म हो जाएगा। बस कर देते हैं, थोड़ा सा डैडा के लिए भी छोड़ दो। Not your baby girl, I'm going on my own road. Tell me what to do. Just some respect, just like you should. I do it on my own. They tie me down just like a tie. Start a fake shit, erase. You know I'm more than flesh and bone. Stop, you still get in my way. Hand out, stomach in my best and I stay. Did you plan B? I can put the night rage. Shit, my head is pushing on, do that shit, shake. खाना पीना खा चुके हैं हम लोग और इधर चल रहा है शिवाय की मस्ती डैडा के साथ। अरे गाइस से मम्मा को तो बाय करने दो बेटा। लो पहले तुम ही बाय कर लो, बाय करो गाइस से। तो आज के ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे समाप्त। बाय कर लो। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। बाय। चलिए बाय।